Hello friends, fans, viewers, subscribers, and we sub YouTube family. आप सबको बहुत ज़्यादा welcome back मेरे को video में and आप सबको बहुत ज़्यादा welcome back मेरे barn में. तो आज मेरे zen में कोई बहुत ही मज़े की activity है जो मुझे लगा कि मुझे आप सबको भी सिखानी चाहिए. It's something that I know myself. So friends, normally villages में what happens is कि वहाँ पे gas supply में थोड़ा सा issue होता है. And उस वजह से वहाँ पे for the survival and for the cooking purposes लोग क्या कहते हैं कि जो हमारी गाय माता हैं इनके गोबर को utilize करते हैं. Since we are in city and यहाँ पे तो ऐसे crisis नहीं होते, but फिर भी हमें ये चीज़ आनी चाहिए कि आप गोबर को utilize करके एक चूल्हा कैसे बना सकते हैं. तो मैं आपको आज की वीडियो में एक चूल्हा बनाना तो नहीं सिखाऊंगा, but I am gonna teach you for sure कि आप गोबर के उपले कैसे बना सकते हैं. बिकॉज ये एक ऐसी स्किल है जो मुझे भी आती है, इट्स सो फन टू डू. तो इससे फिर मैंने सोचा कि हम आपको भी दिखाते हैं कि हाउ यू कैन डू इट इन केस कि आप भी किसी विलेज में सडनली लैंड हो जाए. हाउ एवर दिस इज नॉट अ विलेज बाय द वे, एंड फॉर वन राउंड आई थिंक सो फॉर वन उपला वन टाइम गोबर इज इनफ. तो अभी आप लोग भी देखिए और आपको बताते हैं कि हाउ वी मेक इट. सो लेट्स गो. सो फ्रेंड्स, हमने ये बनाए हैं ओपले, मतलब जो पेड़े जो भी इसको बोलते हैं गोबर के, और आप देखेंगे आपके हाथ बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल गंदे, और इनसे स्मेल बहुत अचार की आएगी कि इस गाय ने मुझे लगता है अचार खाया था यार. तो फ्रेंड्स, अब आखिर में हम लोग अपने हाथ धोएंगे ताकि इनसे स्मेल चली जाए. वैसे नेल्स से बहुत टाइम तक स्मेल नहीं जाएगी, बट स्टिल आप लोगों को सिखाना था. तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपने इन्जॉय किया होगा, एंड ये शॉर्ट सा वीडियो था. इसका पर्पज़ सिर्फ आपको सिखाना था कि आप भी अगर किसी गाँव में खो गए हैं तो आपको गोबर से ओपले बनाने आने चाहिए. सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. ये जस्ट छोटा सी वीडियो आपको सिखाने के लिए थी. जो कुछ हमें आता है हम आपको सिखाते हैं. तो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन, रेट एंड कमेंट दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, विद समथिंग इंटरेस्टिंग, विद समथिंग न्यू इंशाल्लाह बहुत जल्द. तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से एंड मेरी गायों की तरफ से, हमारे गोबर की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अल्लाह हाफ़िज़.